तो कवि रजनी भाई त्रिमंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, सव पावपनासनो, मंगलानं च सव्वे सिं, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओए देवम, डेली प्रेयर आ गया आपको? नहीं। क्यों? लास्ट का थोड़ा सा ही बाकी। खाना बंद करो, खाना बंद करो आप। प्रिया, प्रिया। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हद ताकि मेरी रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम करना प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। सच्चिदानंद, मम्मी आपको स्टडी प्रेयर आती है? यस। हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराएं आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके सच्चिदानंद, मैं बोलू? नहीं, आपने रिपोर्ट नहीं भेजा। वत्सल, वेट वेट, प्रहर किधर गया? प्रहर बोलो, क्या करूं? दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अरे फिर भी हम कच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। प्रहर, एवरी टाइम आप भूल जाते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद। बालको
आज स्टडीज में आपका सिंसियरिटी कितना है, सब लोग ग्रेड देता है, तो आपका ग्रेड क्या है और क्या प्रॉब्लम है वो बोलने का। ओके दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, अभी मेरी स्टडी अच्छे से चल रही है, मैं हर रोज घर पे भी स्टडी करती हूँ देर तक, और ट्यूशन में मैं 1 बजे से जाती हूँ और 8 बजे आती हूँ, और वहाँ पे मेरा मतलब सेशन वाइज होता है, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन मैथ्स, उस तरह से होता है, इसलिए सभी चैप्टर्स अच्छे से हो जाते हैं। ओके, आपको कितना मार्क्स का एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 80 ऑफ स्कोर कर पाऊंगी परसेंटेज। सब बताना आपको क्या टारगेट है, कुछ ही लेकिन करना क्या है आपको, आगे कहाँ जाना है? आगे मुझे फार्म, डी फार्म करना है। फार्मेसी करना है तो बायोलॉजी नहीं चाहिए उसके लिए? नहीं, उसमें मतलब मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपने बायोलॉजी नहीं लिया है? नहीं, मतलब जिसने नहीं लिया हो ना उसको 6 महीने पहले बायोलॉजी का बेस से पढ़ाते हैं, बाद में फिर। ओके, फाइन, क्लियर क्लियर। खुशी, हाँ जय सच्चिदानंद, मैं मेरा होमवर्क 3 घंटे करती हूँ। नहीं नहीं, उसे कोई आपको कितना स्कोर लाने का है और उसमें ग्रेड कितना है वही बोलो। हाँ, मुझे स्कोर तो 90 अप लाने हैं। okay. और अभी अपना सिंसियरिटी का ग्रेड कितना है, ए बी सी? अभी तो ए है। ओके वेरी गुड, वत्सल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे 90% आते हैं, मुझे 95 लाने हैं। okay. और मेरा ए ग्रेड है पढ़ने में। वेरी गुड देवम, आज तो बहुत बहुत आज तो बहुत कुंडली मारते हैं, बोलो अच्छी ऑनेस्टली बोलने का। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे 85 अप लाने हैं और पढ़ाई में मेरा बी है सिंसियरिटी में। ओके okay, ये सब रिपोर्ट में ये अपना परसेंटेज लिख दो एक बड़ा अक्षर। हाँ. से ये नम्या किसके साथ बात कर रहा है? रदी दादा, ये बी और उसका है ना वो रेंज में देता है उसके, उनका प्रेजेंट कंडीशन परसेंटेज में ही पूछो तो दे नो व्हाट इज द डिफरेंस देयर टू ट्रेवल। नो, आई एम आस्किंग व्हाट पर्सन दे वांट एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर सिंसियरिटी इन स्टडीइंग ए बी सी। नहीं, उनको लाना है 85 प्लस। हाँ. और जब बी बोलते हैं ना तो वो बहुत नीचे है, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो आप कमेंट करो। I can't quantify, I don't know the quantification. Okay. आपका आपका प्रेजेंट एफर्ट के कंडीशन क्या है वो बताना है परसेंटेज में, आई बिलीव दैट विल बी बेटर। ओके, तो दीपक दादा 2% हो जाएगा, एक तो स्टडी का गोल एग्जाम का और अभी स्टडी का, राइट? Right, that's what, like I मुझे 90 प्लस लाना है लेकिन अभी मेरा 70 है। ओके ओके, वो मेरी सिंसियरिटी 70 है लेकिन लाना है मुझे 90 प्लस, तो वो 20% का डिफरेंस है ना, वो मुझे बनाना है ऐसा। ओके 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 ओके, वेरी गुड, सब मालूम पड़ गया कितना वो फाइनल एग्जाम में कितना है और अभी सिंसियरिटी का परसेंटेज कितना है। ओके मुझे 95 और मुझे 90 लाने हैं। तो आपके तो 95 लाने हैं और मेरे 90 आते हैं और मेरा ग्रेड A1। ओके, तो आप अभी मोबाइल देखते हैं तो ग्रेड बी में चला जाएगा, मालूम है आपको? आपको तो बता रहा है गलती से थोड़ी मिनट ज्यादा लेके दे थे। हाँ, तो गलती से अपना स्कोर भी नीचे जाएगा, तो आप तो पुत्र बोलता है स्कोर भूल जाना का है ना, 95 भूल जाना, बस फोन देखने का है, गलती करनी है तो फिर 95 की बात नहीं करना।
दो महीने आप उसको बाजू में नहीं रख सकते अभी? रख सकता हूँ ना। फिर तो फिर बात करना, उसके सुनने का कोई मतलब है नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, खाली बताते हैं। आपके साथ कौन बैठता है? मम्मी। मम्मी, मम्मी को बोलो मोबाइल क्यों देते हैं आप? पूछो। वो जीत करता है ना इसलिए। अच्छा जीत करता है तो क्या वो जीत करेगा? जीत करते तो डंडा मारो ना, एग्जाम है सर पर बैठी है। वेलन नहीं है लेकिन अभी वो क्या है ना, वो टीवी नहीं देखता है पूरा दिन, इसीलिए मैं थोड़ी देर उसको देती हूँ। नहीं मोबाइल की बात है, मोबाइल में तो बहुत बड़ा वो तो गेम्स खेलता है तो उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो जूत करा तो वेलन और कुछ खेलने दो उसको तो अच्छा है। फिजिकल गेम वो तो वो जाता ही है शाम को 5 से। हाँ तो फिर मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो शाम का 1 घंटा बढ़ा देंगे ना तो वो चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट भी मोबाइल का दिमाग को डैमेज करेगा। बात समझ लो आप। हाँ जी सचिदानंद, मुझे 85% अबाउट 4 का है और मेरी सिमिलरिटी स्टडीज में 60% है। करिश्मा। हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने खिचड़ी महाराज ने की थी, नोकल मैंने की, त्री मदर मैंने एक बार की थी। खुशी। हाँ जी सचिदानंद, मुझे स्टडीज में 80 अबाव लाने हैं और मेरे परसेंटेज 60-50 के बीच है। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा कैम्ब्रिज बोर्ड है, इसे मेरे मार्क्स नहीं आता, पर PYP ने मैं मुझको ए लाना है और मेरे स्टडीज में ए है। बोलो दीपक दादा। I just about to say के श्रिया को उनके स्कूल में they don't give percentage, they give gradation. So it is, yeah, it's a, did you see that gradation? No. It's a very, 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 very funny gradation. I mean, she's doing good, but fine. Okay. लिए ठीक है। Okay, Nadia. जय सच्चिदानंद, मेरी पढ़ाई में sincerity 85% है। मुझे मेरे लास्ट एग्जाम में 91% आए थे और मुझे 95 करना। बड़ी दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरी पढ़ाई में सिंसियरिटी 90% है, मेरे 88% आते हैं, मुझे 95 तक पहुंचना है। आपको क्या बनने का है बड़ी दीदी? व्हाट आर यू स्टडीइंग अभी? आप क्या पढ़ाई क्या करते हो? तो ऑलरेडी देयर इन प्रोफेशनल थिंग ना। शी इज इन द कॉलेज ना। एटा का कहां आप क्या पढ़ते हैं? मैं 11th में हूं। 11th। ओके 11th। ओके एंड हिस्ट्री? कंप्यूटर साइंस। हां मैं भूल गया। व्हाट इज द कंप्यूटर साइंस इन डिग्री? यस बीटेक। अच्छा कौन से साल में? सेकंड ईयर। 95% उसमें देते डिग्री कॉलेज में? CGPS से परसेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। ना ठीक है, नॉर्मली इतना प्रोफेशनल कॉलेजेस में इतना हाई परसेंटेज देते नहीं है। ओके फाइन, लेट्स सी। जय सच्चिदानंद। तो ब्रिलियंट होगी तो देगा ना, ऐसे बोलो। नहीं, हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में किसी का आता है। हाँ उसमें हम आए। वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी पढ़ाई में सिंसियरिटी 85% है और मुझे एग्जाम में मार्क्स 95 अप्लान है। ओके वेरी गुड। मोरबी अपूर्वास स्वप्ने। जय सच्चिदानंद, मैं रोज 3 घंटे स्टडी करता हूँ और मेरे को 80% आते हैं, मेरे को ने 90% लाने हैं और स्टडी में मेरा ये वन है। ओके अभी छेड़ना बंद कर दिया सबको। हाँ नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद,
मेरे एग्जाम में सिंसियरिटी 75% है और मुझे एग्जाम में स्कोर 90% से ज्यादा लाना है, और आज मैथ्स में सरप्राइज टेस्ट हुआ था उसमें मुझे 20 आउट ऑफ 20 आए थे। जय सच्चिदानंद। रणी दादा, I don't know ये क्या बोली, बता नहीं है मुझे, उनका रिजल्ट देखे ना तो 90 प्लस है। क्या बात, और उसकी सिंसियरिटी बोलती है 75 है। She is doing good। yeah. मासी को आप बताओ ना, मासी के साथ बात करो आप। ओके ये एटीट्यूड अच्छा है, दिस विल कीप मूविंग। ओके वेरी गुड, कीप इट अप नवनीति दीदी। इताक्षी मां, जी सच्चिदानंद, मेरा स्टडी में सिंसियरिटी अच्छी अभी चल रही है, मुझे लास्ट एग्जाम में 85% आए थे तो मुझे इस बार 95% अप मार्क लाना है, और मुझे इस बार ए ग्रेड था। ओके दर्शना सलाम की। जय सच्चिदानंद, मेरा पढ़ाई में ए है और मुझे परसेंटेज में 60 और 50 के बीच में आता है, तो मैं चाहती हूँ मुझे 100 आए, ऐसा कोशिश करना चाहती हूँ। मम्मा है बाजू में? नहीं। फिर ऐसे ही हवा में तीर छोड़ते हो? हाँ, 50 और 60 आते हैं और 100 की बात करते हैं तो डिफरेंस कितना है? प्रैक्टिकल गोल जी बताने के लिए बेटे, समझे आप? अगर 50-60 आता है, आप 75 का सोचते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है, 85 आता है और बोलते 90-95 करना है तो वो अलग होता है, आपका 50-60 आता है और आप बोलते क्या बताया, 100 तो कभी भी प्रैक्टिकल गोल होगा ना तो आप यू विल बी एबल टू अचीव, आप समझे कहाँ है ऋषि। हाँ, दिखावा की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, और जो गोल हम पहुंच सके उसका मतलब है, नहीं तो सिर्फ पेपर पे होगा और रिजल्ट विल बी बैड, आप समझे। आपको तो बहुत सीरियस होने का है क्योंकि आप मस्ती बहुत करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं, तो जो इतना मस्ती करते हैं उसका एनर्जी कॉन्सेंट्रेट जाएगा ना तो बहुत अच्छा आएगा, और घर में फ्रीडम बहुत है। हाँ, आई नो दैट्स अ प्रॉब्लम ना। ओके प्रहर, प्रहर ओके Apurva, no, you have to unmute him. That's a problem. I already did it. Jai Sachidanand. Okay. मेरे 60 to 70 बीच में आते हैं, पर अब मुझे 75 के ऊपर लाना है। और अपना एफर्ट कितना है? B. हाँ, तो आप लोग के चार आदमी हैं, तो छोटी बांध के तो कितना कर सकते हैं आपको मालूम है? अपूर्वा दीदी। हाँ। तो अनन्या दीदी, अनन्या ओके दीपक दादा, आई थिंक आर एवरीबॉडी, अनन्या इज नॉट अनम्यूटिंग। दीपक दादा, देव भी है ना? देव हीर वाज आल्सो देयर। हां, हीर भी है ना? ओके देव। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे 80 से 85 के बीच में आते हैं तो अब मुझे 95 लाने का ट्राई करना है। आप कितना सीरियस है? एकदम कंप्लीटली, अब से मोबाइल नहीं देखता हूँ, और जो उस दिन कहा था कि चीटिंग होती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। वेरी गुड। देवम, देखो मिशन किया देव का, वो चीटिंग, नो चीटिंग बिजनेस। अभी कौन बाकी रह गया दीपी दादा? ओ दर्शन। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने मुझे
मुझे मुझे 80 मार्क्स की एग्जाम होती है तो मुझे उसमें से इस बार 75 आए तो मुझे 70 अब लाने हैं। आपको तो आप भी बहुत सीरियस नहीं है, बहुत स्टडी कुछ नहीं करते आप। कीर्तन कीर्तन स्टडी की थी। कौन बोलता है? मैं दर्शन। आज एक दिन से कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो कुछ फायदा नहीं होता है। ओके दर्शन, यू टू बी वेरी सीरियस। You, Devam, have to be very, very serious. Kirtan. Uh-huh. Oh, Hari. Sorry, Hari. Jai Sachidanand. मुझे 80 में से 73 आते थे, लेकिन अभी मुझे 77-75 ऐसे मार्क्स चाहिए। Okay, okay. आप स्टडी का मेरे स्टडी में 80 से 85 के बीच में मार्क्स आते हैं और मेरे को 19 लाना है। सीरियस कितना है? क्या आपके सीरियस का परसेंटेज कितना है सीरियस में? ए। ओके, तो आप याचना आप तो पुत्र के साथ सब अभी मांगा आशीर्वाद और तो बिहारी दादा तो उधर आए थे, ये दादा ने आशीर्वाद दिया आपको। हाँ। क्या क्या बोला 90 लेने के लिए? क्या बिहारी दादा ने बोला, क्या करने का आशीर्वाद दिए बिहारी दादा ने? नहीं, वो क्या बोलने करने का क्या बोला आपने? सत्साधन करने। ओके, आप तो करते हैं सत्साधन तो करते हैं। ओके दीपक दादा, ये हीर आ गई है। ओके हीर। मुझे लास्ट एग्जाम में 75% आए थे, इस बार मुझे 80 अबव स्कोर करना, मतलब 85 तक मुझे पहुंचना है। ओके, तो आप एफर्ट तो बहुत अच्छा नहीं है, आपको तो बहुत सीरियस होना होगा। साइंटिस्ट ऐसे एकदम सिंसियर होता है साइंटिस्ट। ओके दादा, यू टू बी वेरी सिंसियर। ओके ओके दीपक दादा, राइट कौन रह गया? हाँ प्रहर, कहाँ चले जाते हो? बोलो प्रहर। हाँ जय सचिदानंद, मेरे स्टडी में 60-70 है, मुझे फुल सिंसियरिटी करना है 100। प्रैक्टिकल कॉल नहीं है, 100 किसको आता है? किसको आया है? और डिफरेंस 30% डिफरेंस, वो कोई मेडल नहीं है और बोलते गोल्ड मेडल लाना है, तो उसका मतलब क्या है? वो प्रैक्टिकल गोल है। बी रियलिस्टिक, आप समझे रियलिस्टिक का मतलब क्या है? अगर आपका 60-70 आता है, आप 80-85 बोलते हैं, 90 बोलते तो ठीक है, अभी 100 बोलते तो मैंने ऐसा बोला कि 60-70 है तो मुझे अभी इम्प्रूव करके 100 लाना है, सब तो वही तो है, धीरे धीरे इम्प्रूव करके 100 लाना। तो कितना टाइम है धीरे धीरे में? हाँ, एग्जाम को कितना दिन बाकी रह गया? एग्जाम 3 मार्च। ओके अनन्या दीदी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, मेरे मुझे 80 प्लस लाने हैं और मेरा सिंसियरिटी 70-75 के बीच में है। क्यों? और 25% में क्या करते हैं आप? 11th में है कि किसमें? 12th। अभी कॉलेज का टाइम है,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैं मैथमेटिक्स लिया है। हाँ 80% में आ जाएगा? नहीं, अच्छी कॉलेज में नहीं मिलेगा। कोई जंगल में मिलेगा आपको, समझ में आया? हाँ। अभी आपके पास 2 महीने पड़े हैं, अच्छे ढंग से पढ़ो। हाँ। समझे? 75 हाँ। का 100 करना मांगता है एफर्ट। हाँ। ओके, प्रहर का एग्जाम 3 मार्च में है। ओके, तो प्रहर आपके पास तो बहुत टाइम नहीं है अभी। You to be very sincere. रजनी दादा। हाँ बोलो। अरे बोलो। रजनी दादा, आज मेरे 15 में से 15 आए थे। नहीं, वो अभी टोटल अभी विजन रखने का है। ओके गुड, 15 सब में ऐसे करो। ओके वेरी गुड। ओके ओके दीपक दादा, खास करके जो लोग 12th में है उनको बड़ा अच्छा फोकस करना है। नो वेस्ट ऑफ टाइम, और कुछ भी अंदर से नेगेटिव ना चले उसका ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी होता है तो पूछ कर समाधान कर लो, टेंशन लेना नहीं है। यू आर ऑल स्मार्ट, डम नहीं है, बुद्धू नहीं है, लेकिन जहाँ नुकसान होता है वो सब हमें दरवाजे बंद करना है। वो दरवाजे बंद होंगे तो अपने आप अपना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और हैप्पी एंड चीयरफुल रहना है, कोई भी बात को लेके डिस्टर्ब होना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डैडी मम्मी को पूछो, आप्त पुत्रों को पूछो, समाधान कर लो, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें हैप्पी चीयरफुल सिंसियर रहना है। टेंशन में नहीं देना है, टेंशन में एग्जाम दिए जाने पर वो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ाई करते हैं तो उसका हमें कॉन्फिडेंस होना है। क्यों नहीं होगा अगर मैंने पढ़ाई की है तो? इसीलिए कोई भी ऐसी बात होती है तो उसका समाधान कर लेना, डरना नहीं कि कोई मुझे डांटेगा तो, डांटने से डरना नहीं है, लेकिन सोल्यूशन हमें चाहिए। आप समझे? हाँ, 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 आप स्मार्ट भी है, बोल्ड भी है, हम दादा के बच्चे है, कमजोर नहीं है, वीक नहीं है, समझ गए ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी आप बोलिए कुछ और बाद में क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने जो गोल तय किया है वो गोल पर पहुंचने के लिए आपकी जो सिंसियरिटी है, आप सिंसियर होके पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे तो गोल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी जहां है वहां से आगे बढ़ने का है। एग्जाम का समय मुझे लगता है 1-2 महीना रह गया होगा, तो बराबर सिंसियर होके सिंसियरली प्रयत्न करोगे तो आप जो गोल तय किया है वो तय किए हुए गोल को आराम से आप लोग पहुंच जाएंगे। बराबर? हाँ हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। ओके विधि दीदी। हाँ, वो मुझे कहना था। बोलो। जय सच्चिदानंद। जब बिहारी दादा घर पे आए थे तब मुझे घड़ी देखना तो नहीं आता था, पर मुझे बिहारी दादा ने सिखाया था। तो उसने आपको गिफ्ट में क्या दिया था? गिफ्ट लेने की बाकी है। ऐसे ऐसे कैसा ये है? कुछ को फायदा हुआ तो भी अभी कुछ ही? ओके ओके आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मेरा ध्यान बाहर मेरे फ्रेंड्स के लिए उधर ही जाता है, तो मैं क्या करूँ? ध्यान किस में जाता है? बाहर, वो मेरा
फ्रेंड्स खेलते हैं ना वहाँ सब पर। खेलते हैं हाँ। तो जो हमने गोल तय किया है तो उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा ना हाँ। अरुष तो हाँ। वो प्रयत्न करेंगे तभी तो आप गोल पर पहुंच जाएंगे हाँ। तो जितना सिंसेरिटी से आप तय करेंगे सिंसेरिटी से पढ़ेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे। अभी जो बाहर फ्रेंड्स लोग खेल रहे हैं तो आरुष को कहने का है कि भाई अभी बाहर नहीं जाने का है, आपने जो गोल तय किया है वो गोल पे पहुंचना है तो अभी ये इसका त्याग करना पड़ेगा आरुष बराबर हाँ। तभी तो हम गोल पर पहुंच पाएंगे ना, गोल पे पहुंचना है तो बाकी की जो एक्टिविटी है तो ये 2 महीने के लिए अभी सिंसियर होके गोल के प्रति हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो हम अवश्य तय किए हुए गोल पर पहुंच जाएंगे हाँ। वो बाहर का आएगा लेकिन बोलने का नहीं अभी नहीं गई है, अभी नहीं, अभी तो मुझे पहुंचना है हाँ। जो गोल तय किया है वहां पहुंचना है तो वो अपने आप मन शांत हो जाएगा हाँ। बराबर हाँ। ओ कल बताना ऐसे क्या क्या आपने क्या किया आरुष हाँ? हाँ? हाँ, हाँ। आप आपका तो स्केड्यूल है ना तो स्केड्यूल में प्लेइंग नहीं है तो वो बोलने तो बोलने का नहीं नो प्लेइंग हाँ। ओके अभी आप बिहारी दादा एक पद सुनेंगे आप स्वामी स्वापिक स्वप्निल के पास ओके सचिदानंद आज नो लाह बोली जिए रे काल कोने रीती छे दादा भगवान ने बजिए रे काल कोने रीती छे स्वामी सी मंदर दादा ना सीरे अमारी सीरे दादा रे काल कोने दीठी छे फूलना तकिया ने फूलनी गादी रेमना उछाना उछावी बिछावी बिछाना बिछावी रेमना बिछाना बिछाना बिछावी काल कोने दीठी छे अक्रम विज्ञान नु अभेद विज्ञान छे विक्रम ज्ञानी जगत पामे छे सर्व देव देवियों ने प्रार्थना स्वीकार जो विश्व मा सुख शांति लाव जो जय सच्चिदानंद वेरी गुड। अभी ये अपने बोला ना पर गाया ना तो अभी टाइम मिले तो कविराज ने कैसे गाया है वो जरा सुनना ओके ये बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पद है। आपने क्यों ये चीज किया किसने आपको बोला ये मम्मी ने कहा था और वो कल काले क्यारे दीची थी इसलिए उसका मीनिंग क्या होता है पता नहीं मेरे को तो यार दादा बात करो उनको काले कोने दीची थी स्वप्निल ये जो बोलते हैं कि काल कोने डी मतलब के ये हम अभी सब हैं कुछ भी समय पे कुछ भी हो सकता है अटैक आ सकता है एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी हो के अभी अभी जिंदा है 5 मिनट के बाद तो एक्सीडेंट हो जाता है तो मर भी जाता है तो इसलिए ऐसा गाते हैं कि आजनो लावो लीजिए रे काल कोणे डीठी छे એટલે કાલે કોણે જોઈ છે એટલે આજે જે ભેગું થયું છે જે કઈ આપણા પદ ગાઈએ છે કે જે પણ ગાઈએ છે હિન્દી મે એટલે આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોણે ડીઠી છે એવું કહ્યું છે કે કાલે કોણે જોઈ એટલે વર્તમાન હા તો વર્તમાન મે અભી જો આપ હે तो वो वर्तमान का आप लोग लाभ लीजिए कल 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 पे छोड़ देते हैं सब कि नहीं आज आज थोड़ा खेल लेते हैं फिर कल पढ़ेंगे आज थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं
फिर कल याद करेंगे। तो वो कल पे जो जाता है, तो कल किसने दी थी? तो वर्तमानता में अभी जो आपने तय किया है, अभी जो आपने गोल किया है, तय किया है गोल, तो वो वर्तमानता को पकड़कर आपको चलना पड़ेगा, बराबर। और व्यवहार में ऐसा गाते भी है, आज का अलावा लीजिए रे, कल किसने दी थी। तो बिहारी आनंदी कल कब आती है? कल तो कल आएगी ना, पता नहीं है मुझे, आप बताओ। कल कभी होती नहीं, सब आज ही होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इसलिए दुकान पे ऐसा बोर्ड लगाते हैं, आज रोकड़ा कल उधार, दुकान पे ऐसा बोर्ड लगा देते हैं। तो आज रोकड़ा है, तो मतलब आप अभी खरीदने गए हो तो कैश पैसा खरीदो, कल उधार, तो कल जाओगे तो वो आज हो जाएगी, बराबर ने हीर। हाँ, आज रोकड़ा काले उधार, तो आज हम कैश में देने का है, कल उधार है, फिर कल जाएंगे तो कल रहेगी कि आज हो जाएगी? कल आज हो जाएगी। हाँ, कल जाते हैं तो वो आज हो जाती है, वो कल नहीं रहती है। इसलिए बोलते के वर्तमानता में रहो, जो तय किया है, जो गोल किया है, उसके हिसाब से चलो, बराबर। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपका आज का गोल क्या था है, कौन सा, क्या है आपका गोल आज का? स्टडी में ज्यादा मार्क्स लाने, 90 लाने मार्क्स। हाँ, ज्यादा मार्क्स लाने का। कल क्या होगा? कल का गोल क्या होगा? कल ये भी होगा। हाँ, ये बताया ने बिहारी दादा ने। आज रोकड़ा और उधार का, उधार की समझ दो भाई हमें। आज रोकड़ा काले उधार, इसका मतलब क्या? मतलब के वो दुकान पे ऐसा बोर्ड लगाते हैं, जो लोग उधार मांगने के लिए आते हैं ना, ज्यादातर छोटे गांव होते तो सब उधारी चलती है, कभी आज ले जाते हैं फिर महीने के बाद अमास के दिन दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। पहले सब व्यवहार जो सेटलमेंट होता था वो अमास के दिन होता था, तो वो आज ले जावे तो बोलेंगे कि 15 दिन बाद अमास है तो मैं दे दूंगा। इसलिए ये उधारी से बचने के लिए व्यापार लोग ने ये बोर्ड लगाया है कि आज रोकड़ा, मतलब कि आज जो भी आप खरीदो उसके कैश पैसे दो, कल उधार, तो कल वो आएगा तो वो आज हो जाएगी फिर, समझे? रोकड़े को नगद बोलते हैं, नगद 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 नगद, बराबर, बिल्कुल करेक्ट। न क द क क है वो गुजराती में, नगद। अरे न क हिंदी में न क द। ओके ओके ओके, चलो गूगल ऐसा बताता है, बराबर। ये दाखला में से सब मालूम पड़ गया? वेरी गुड। हाँ, तो आज जो करने का आज ही करने का, दैट इज इट। दादा क्या बोलता है? इफ दादा, नो बट्स, क्या बोलते हैं आप? क्या बताए आप, क्या बोलते हैं? नो इफ्स और बट्स, आप क्या बोलते हैं? नो इफ्स एंड नो बट्स। नो, आप क्या बोलते? नो मैटर व्हाट, कुछ ऐसे बोलते हैं ना? वो तो आता है नहीं आता है। ओके ओके ओके, सो आज का सब गोल अभी आज से रखी गया, 30-40 दिन 30-40 days बाकी है, और प्रहर को तो वो भी कम है, थर्ड मार्च को उसका एग्जाम छे। ओके,
और एक खास खास बात, ट्वेल्थ वाले हैं वो जरा ध्यान अच्छे से देना, कोई भी तकलीफ हो तो पूछ लेना, समाधान कर लेना, कोई गुंजाइश नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना, टेंशन नहीं रखना। आप लोग बहुत स्मार्ट है, सिर्फ अपनी शक्ति को अच्छी तरह से केंद्रित करके वो डिसिपेट नहीं करनी है, ऐसे ही जाने नहीं देना है, उसको अच्छी तरह से शक्ति को संभाल कर रखना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।